तो सोनाहातु और राहे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पिछले एक सप्ताह से जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। जंगली हाथियों के गांव पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों के झुंड द्वारा रात के अंधेरे में लोगों के आशियाना को उजाड़ कर घर के अंदर रखे अनजान को अनाज को अपना निवाला बनाया जा रहा है। तो क्षेत्र के ग्रामीण व किसानों ने वन विभाग से जंगली हाथियों को वापस जंगल में पहुंचाने की गुहार लगाई है। इधर जंगली हाथियों के आतंक की जानकारी मिलने पर जामुदाग पंचायत समिति के सदस्य रूप कुमार साहू ने अधिकारी को समाधान करने के लिए कहा है। वहीं वनकर्मी जंगली हाथियों के उपद्रव के बाद गांव पहुंचकर पीड़ितों को मुआवजा के लिए आवेदन फॉर्म और पटाखे का वितरण कर अपने दायित्व निभा रहे हैं। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। पेपर में आप दीजिए, फेसबुक में डालिए। अभी देखिए कॉरिडोर के लिए ना पूरा अभी हम लोग से इंक्वायरी अभी किसानों के बीच में आए हुए हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे सब्जी का फसल काफी मात्रा में होता है दूल में हिसाहतु में, तो लौकी की फसल पूरा बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है और लौकी से लेकर मकई वगैरह घर भी वैसा क्षति किया है। वन विभाग की ओर से राजू जी भी आए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? राजू जी को यही बोलेंगे कि इधर से मुआवजा मिलेगा, ये तो ठीक है मिलता है। राजू जी के यही बोलेंगे कि जहाँ है वहीं शिफ्ट कराएं, ताकि इधर से उधर जब होता है तो एक दूसरे सारा खेत को रौंद के चल जाता है। हम बोलेंगे जिधर क्षति हो रहा है उधर क्यों ना रखा जाए, एक जगह रहेगा तो दूसरा बच जाएगा, और इधर से उधर जब रहेगा इससे उधर टरकाएंगे तो निश्चित है बीच में जितना भी खेत होगा जितना किसान